दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरे पास एक्टिवा 6G है और इस चाबी को मैंने चालू किया, चेक लाइट आया और चेक लाइट चला भी गया। ये चेक लाइट चालू हुआ और चेक लाइट चला भी गया, गाड़ी को सेल्फ मारा, गाड़ी भी स्टार्ट हो गया। ये गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं है, खाली दिखाना आपको ये है कि ये मेरे पास स्कैनर मंगाया हूँ और स्कैनर है B311 और बहुत अच्छा आइटम है ये, मैं भी यूज़ किया हूँ। ये इसका स्कैनर है और इसके अंदर इसका बुक भी है, यूजर मैनुअल, कुछ भी अगर फोल्ड वगैरह चाहिए जो भी है इसके अंदर मिलेगा आप लोगों को, कैसा इस्तेमाल करने का वो भी है। और ये इसका यूनिवर्सल केबल आता है, ठीक है। ये पहला बहुत काफ़ी महंगा था, अभी ये सस्ता हो गया है तो मैंने इसको मंगाया हूँ। और आप लोगों को भी कभी अगर मंगाना होगा तो ऑनलाइन में पता करने का, और ऑनलाइन के अंदर ज़्यादा ही होता है, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा भाई का, उनसे आप मंगा लेने का। अभी ये गाड़ी को मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे इंजेक्टर का कपलर निकाल रहा हूँ। इंजेक्टर का कपलर निकाल दिया और चाबी को चालू किया और ये लाइट बनाई है, ठीक है। लाइट जाएगा नहीं और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगा क्योंकि इंजेक्टर का कपलर निकला हुआ है, सेल्फ काम कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी इसको स्कैनर कैसा लगाने का वो दिखाता हूँ। ये इसका कपलर होता है, यहाँ से इसको ऐसा बिठा लेने का। ये यूनिवर्सल केबल है, बहुत सारा केबल है, सभी गाड़ियों का, हीरो का है, बजाज का है, KTM है, रॉयल इनफील्ड है, TVS है और जुपिटर है और अपाची RTR 160 है, एक्स प्लस है और ये यामा का है। यामा के अंदर दो लगता है, एक ही साथ में दोनों केबल लगता है। तो अब इसको होंडा का है, ये होंडा का यहाँ पे फिटिंग करेंगे, ठीक है। इसको फिटिंग कर दिया और चाबी को ऑन करूँगा। चाबी ऑन किया, इसको एक बार इंटर किए, ठीक है। ये क्या लिखा है, MIL स्टेटस ऑन, क्योंकि मैंने इंजेक्टर का कपलर को निकाला हूँ, यहाँ पे ऑन दिखा रहा है। अब ये क्या चीज़ का फोल्ड है वो देखने के लिए फिर से इसको इंटर करेंगे, ठीक है। इधर आया रीड कोड और इरेज कोड, तो अभी इसको रीड कोड पे जाएंगे, क्या फोल्ड दिखा रहा है, स्कैनर सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अभी आ गया करंट DTC, इसको भी ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है P0201 इंजेक्टर सर्किट ओपन सिलेंडर 1, एक पिस्टन की गाड़ी है इसके लिए आ रहा है, बाकी नहीं तो 2 भी आवे 3 भी आवे। तो अपने को फोल्ड तो मालूम है क्योंकि अपन ने फोल्ड किया इसको, अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कोड को इरेज करने के लिए पहला ये लगाना पड़ेगा इंजेक्टर का कपलर, इंजेक्टर का कपलर हो गया, ये दिखा दो। चाबी को मैंने ऑन किया, ठीक है, वापस यहाँ पे दिखा दो, इसको इंटर किया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। वापस इंटर करने का, अब ये रीड कोड दिखा रहा है, लेकिन रीड कोड पे जाने का नहीं क्योंकि इसके पहले अपन निकाले थे वही फोल्ड है इसके अंदर। इरेज कोड पे जाएंगे, यहाँ पे भी दिखाओ और इसको ओके किए और उसके बाद में क्लियर इसे पूछ रहा है, हाँ क्लियर। अब ये इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए, इंजन ऑफ होना चाहिए, ये ओके किया, यहाँ पे लाइट चला गया, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा चेक करने का, ऐसे करने का। और दूसरा इसके अंदर बहुत सारा फीचर दिया हुआ है, ये डेटा स्ट्रीम है ये नीचे वाला, तो इसको अपने को गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा। ये गाड़ी स्टार्ट किया, इसको ओके करता हूँ, ठीक है। तो इसमें दो है, व्यू ऑल आइटम और व्यू ग्राफिक, तो ग्राफ में नहीं जाने का, अपने को ऊपर ही रहने का, उसके अंदर रीडिंग में सब आएगा लिख के, थोड़ा सा टाइम लेगा। लोडिंग हो रहा है, लोडिंग में थोड़ा टाइम जाएगा। अब ये जितना सिस्टम है वो सब बताना चालू किया यहाँ पे, ठीक है। जो भी सेंसर रहेगा, एक्चुएटर रहेगा, इंटेक मैनिफोल्ड प्रेशर है, ये शॉर्ट टाइम फ्यूल है, सब चीज। वापस नीचे करेंगे, इग्निशन टाइमिंग ये भी क्लियर है, इंटेक एयर टेम्परेचर ये भी क्लियर दिखा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर ये अभी गर्म होने के बाद से काम करता है, अभी काम नहीं कर रहा है, जैसे गर्म होगा उसके बाद में वो काम करता है क्योंकि ये अनहीटेड सेंसर होता है। और उसको वापस नीचे किए, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का दिखा रहा है, अभी जैसा जैसा गाड़ी गर्म होएगा वैसा वैसा वो नंबर फ्लक्चुएट करेगा, अभी गाड़ी ठंडा है अभी नहीं कर रहा है वो।
दोस्तों ये गाड़ी बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं वो भी यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये गाड़ी चालू होगा, रेस मारेंगे बैटरी चालू हो रहा है, ये 13, 60, 70 जा रहा है, यानी बैटरी चार्जिंग का भी काम करता है। इसके अंदर बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, तो जब भी अगर आप लोगों को चाहिए तो ये कभी भी चाहिए तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देता हूँ, उनसे आप ले लो। और ऑनलाइन मंगाएंगे तो बहुत महंगा मिलता है, ऑनलाइन भी पता कर लेने का, अगर ऑनलाइन में सस्ता मिले तो आप लोग वहाँ से मंगा सकते हो, बाकी अगर यहाँ से मंगाना है तो नंबर दे देता हूँ आप बात कर लेने का, और वहाँ से कुरियर के थ्रू आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।